हेलो एवरीवन, दिस इज एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट 6xy फ्रॉम -12xy। वी नो दैट जब इस फ्रॉम वाले क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट, फर्स्ट वी विल राइट सेकंड एक्सप्रेशन, देन पुट माइनस साइन, देन राइट फर्स्ट एक्सप्रेशन। सो -12xy, then we have to subtract, that's why we are putting minus sign, then first expression. So जब भी आप first expression लिखें तो bracket open कर लें, in bracket you will write first expression. So now in first step we will open the bracket here, plus minus minus 6xy. Now see here in first term xy and in second term also xy, it means these are like term, -12xy -6y, these are like term, so we can solve easily, and both are the negative term, so definitely both are negative, that's why we will add the numbers and sign will be negative. So -12 and -6, so -18, and the xy variable as it is. So -18xy is the answer. Now next, -x² plus 10x minus 5 from 5x minus 10. So we have to subtract first expression from second expression. So first we will write second expression, then put minus sign. आप जैसे ही माइनस साइन लगाएंगे, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आपको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है. सो ओपन द ब्रैकेट एंड राइट फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज. नाउ इन फर्स्ट स्टेप वी विल ओपन द ब्रैकेट. सो 5x माइनस 10 एज इट इज. अब ब्रैकेट के बाहर वी कैन सी दैट माइनस साइन इज देयर, आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस साइन इज देयर. तो जब भी आप इस माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. सो माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस. सो फर्स्ट इट्स माइनस, सो इट्स प्लस आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, प्लस सो माइनस, माइनस है तो प्लस. बस ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो आप जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस प्लस. नाउ वी विल सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. सो फर्स्ट वी विल अरेंजिंग द लाइक टर्म हियर, 5x एंड 10x दीज आर लाइक टर्म. एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म है तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, फिर ये 5x माइनस 10x को एक साथ, बिकॉज दीज आर लाइक टर्म, एंड देन माइनस 10 एंड प्लस 5, दीज आर कॉन्स्टेंट. सो एक्स स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इसके समान लाइक कुछ नहीं है. यहाँ देखिए 5x माइनस 10x, सो प्लस 5 माइनस 10, सो डेफिनेटली द आंसर इज माइनस 5x, एंड हियर माइनस 10 एंड प्लस 5, सो अगेन माइनस 5. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 5, दीज ऑल आर हैविंग अनलाइक टर्म. किसी के पास में भी लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म हो गई है सारी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इज द आंसर.